हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स इन शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। जी हां दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है SSC CPO रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि बम्पर 1876 सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 40,000 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ऑल इंडियन कैंडिडेट, चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हों, इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो इसे बम्पर 1876 सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। और इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें, तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की बात करें, तो मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए अनरिजर्व के लिए 39 वैकेंसी है, OBC के लिए 21 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, जबकि EWS कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 88 है। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन ESM की बात करें, तो इसके लिए अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 3 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ST के लिए 1 वैकेंसी है, EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 7 है। एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी की बात करें, तो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 1 वैकेंसी है, वहीं बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, टोटल वैकेंसी 3 है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की बात करें, तो इसके लिए अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 4 वैकेंसी है, OBC के लिए 3 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, ST के लिए 2 वैकेंसी है, वहीं EWS के लिए 1 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 11 है। और अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो 109 वैकेंसी है। साथ ही इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि जो भी मेल कैंडिडेट्स होंगे उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के समय, जब फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा तब, यानी फिजिकल टेस्ट के समय आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल की बात करें, तो अनरिजर्व के लिए 24 वैकेंसी है, OBC के लिए 13 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है, EWS के लिए 5 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 53 है। वहीं अगर सब इंस्पेक्टर इन CAPF की बात करें, तो अगर BSF की बात करें, तो मेल के लिए अनरिजर्व के लिए 43 वैकेंसी है, EWS के लिए 11, OBC के लिए 29, SC के लिए 16, ST के लिए 8, और इस प्रकार से टोटल वैकेंसी 107 है। फीमेल की बात करें, तो अनरिजर्व के लिए 2 वैकेंसी है, EWS के लिए 1 वैकेंसी है, OBC के लिए 2 वैकेंसी है, SC के लिए 1 वैकेंसी है, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और टोटल वैकेंसी 6 है। वहीं अगर CISF मेल की बात करें, तो अनरिजर्व के लिए 231 वैकेंसी है, EWS के लिए 56 वैकेंसी है, OBC के लिए 153 वैकेंसी है, SC के लिए 85 वैकेंसी है, ST के लिए 42 वैकेंसी है। फीमेल की बात करें, तो अनरिजर्व के लिए 26 वैकेंसी है, EWS के लिए 6 वैकेंसी है, OBC के लिए 17 वैकेंसी है, SC के लिए 9 वैकेंसी है, ST के लिए 5 वैकेंसी है। वहीं अगर CRPF की बात करें, तो इसमें मेल के लिए जनरल के लिए 319 वैकेंसी है, EWS के लिए 79 वैकेंसी है, OBC के लिए 213 वैकेंसी है, SC के लिए 118 वैकेंसी है, जबकि ST के लिए 59 वैकेंसी है। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो जनरल के लिए 12 वैकेंसी है, EWS के लिए 3 वैकेंसी है, OBC के लिए 8 वैकेंसी है, SC के लिए 5 वैकेंसी है, जबकि ST के लिए 2 वैकेंसी है। इसी प्रकार से अगर ITBP में बात करें, तो मेल के लिए जनरल में 21 वैकेंसी है, EWS के लिए 10 वैकेंसी है, OBC के लिए 13 वैकेंसी है, SC के लिए 7 वैकेंसी है, जबकि ST के लिए 3 वैकेंसी है। फीमेल के लिए जनरल के लिए 4 वैकेंसी है, EWS के लिए 2 वैकेंसी है, OBC के लिए 3 वैकेंसी है, SC के लिए 1 वैकेंसी है, जबकि ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अगर SSB यानी सशस्त्र सीमा बल की बात करें, तो इसमें मेल कैंडिडेट्स की बात की जाए, तो जनरल के लिए 38 वैकेंसी है, EWS के लिए 9 वैकेंसी है, OBC के लिए 25 वैकेंसी है, SC के लिए 11 वैकेंसी है, वहीं ST के लिए 2 वैकेंसी है। फीमेल की बात करें, तो जनरल और EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 2 वैकेंसी है, SC के लिए 3 वैकेंसी है, जबकि ST के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है। इसी प्रकार से टोटल वैकेंसी जो है, आप इसे पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। वहीं अगर पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें, तो ये आपको 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। जबकि अगर एज लिमिट की बात की जाए, तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर एज रिलेक्शन की बात करें, तो OBC कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, SC ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, वहीं PH कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज रिलेक्शन दिया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें, तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देना होंगे 100 रुपये, वहीं SC ST PH और वुमन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल डिटेल्स की, तो अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें, तो इनकी हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर मांगी गई है,
चेस्ट जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर मांगी गई है। स्प्रिंट की बात की जाए तो 100 मीटर की दौड़ लगानी होगी आपको 16 सेकंड में। रेस जो होगा करना होगा वो 1.6 किलोमीटर रखा गया है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर का लगाना होगा, जबकि हाई जंप 4.5 मीटर 16 LBS की लगानी होगी। शॉर्ट पुट की बात करें तो यह 100 मीटर की होनी चाहिए 16 सेकंड में। वही अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनकी हाइट जो है वो 154 यानी 154 सेंटीमीटर मांगी गई है। स्प्रिंट की बात करें तो इन्हें 100 मीटर पूरे करने होंगे 28 सेकंड में, जबकि रेस होगी 800 मीटर की 4 मिनट में। वहीं अगर बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की तो इन्हें लॉन्ग जंप लगाना होगा 2.7 मीटर यानी 2.7 मीटर का, जबकि हाई जंप 0.9 मीटर की। वहीं अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें दोस्तों तो इसमें 4 सेक्शन होंगे, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के, वहीं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के भी 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के। यानी टोटल क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे और टाइम आपको दिया जाएगा 2 घंटे का। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, यहाँ भी टाइम आपको 2 घंटे का ही दिया जाएगा। वहीं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 15 अगस्त 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपना एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।